इस बंदे का नाम है ब्रायन मॉरन और ये इतने फेमस है कि एप्पल, न्यूयॉर्क लाइफ, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनीज इन्हें बुलाती हैं ताकि ये उन कंपनीज के एम्प्लॉयज को सिखा सकें कि वो 5 साल की एग्जीक्यूशन 12 हफ्तों में कैसे कर सकते हैं। इवन इनके कई स्टूडेंट्स हैं जो 12 हफ्ते में अपनी इनकम को 4 टाइम्स तक ले जाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर इन्होंने ये बुक भी लिखी है, द 12-वीक ईयर। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इस वीडियो के एंड में आपके हाथ में एक कागज होगा जिसमें आपका नेक्स्ट 12 हफ्ते का प्लान लिखा होगा और इससे आप अपने 5 साल के आउटपुट से भी ज्यादा अचीव कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता है कि आज से हम मानेंगे कि हमारा 1 साल 52 हफ्तों का नहीं बल्कि सिर्फ 12 हफ्ते का है। अब हमें से बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम 1 साल को 12 हफ्ते का क्यों माने और इसका मेन रीजन है ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, जब ऑथर ने कंपनीज के बहुत सारे एम्प्लॉइज को स्टडी किया तो उन्हें कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई दिया। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो लोगों का आउटपुट था वो बहुत ज्यादा था, यानी साल के शुरू में वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे और फिर उनका बीच में आउटपुट 0 हो गया और फिर अगेन लास्ट के 12 हफ्तों में उनका मैक्सिमम आउटपुट था। इवन उन्होंने नोटिस किया कि जो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू है, यानी वो पैसा जो कमाती है, वो सिर्फ आखिरी के क्वार्टर में कमाती है, यानी आखिरी के 12 हफ्तों में। देखिए, जो लोग हैं वो आखिर के हफ्तों में बहुत ही कम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, वो पूरे के पूरे फोकस्ड थे, उन्हें एग्जैक्टली पता था कि साल खत्म होने से पहले उन्हें करना क्या है और इसी की वजह से इस कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया कि अगर किसी को लाइफ में जल्दी सक्सेस चाहिए तो उसे नई नॉलेज नहीं चाहिए बल्कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी एग्जीक्यूशन चाहिए, यानी उस पर एक्शन चाहिए और उसे एक एथलीट के माइंडसेट को यूज करना पड़ेगा जो कि है पीरियडाइजेशन। जो ओलंपिक लेवल के एथलीट्स हैं वो पीरियडाइजेशन की टेक्निक को यूज करते हैं। बेसिकली इस टेक्निक में होता यह है कि वो 4 से 6 हफ्तों के लिए सिर्फ एक ही स्किल पर काम करते हैं और सिर्फ उसी स्किल में उनका एक्सट्रीम फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर ओन बेस्ट रेसलर सुशील कुमार कहते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं और उसके बाद वो क्लास में जाते हैं और अपने कोच से पूछते हैं कि नेक्स्ट 15 दिन तक उन्हें क्या ट्रेनिंग करनी है। और एक बार जब ये डिसाइड हो गया कि नेक्स्ट 15 दिन तक करना क्या है तो बस वो उसी स्केड्यूल को रिग्रेसली फॉलो करते हैं। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि नेक्स्ट 12 हफ्तों में करना क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इन 12 हफ्तों में हमारा माइंडसेट होना क्या चाहिए और इस माइंडसेट में 4 चीजें आती हैं, जिसमें पहली है अकाउंटेबिलिटी। इसे समझने के लिए एक स्टोरी सुनिए। एक बार एक एम्प्लॉय 3 दिन से लेट आ रहा था। इस पर उसके बॉस ने कहा, यार ये क्या चल रहा है, तेरे अलावा पूरे स्टाफ मेंबर सब टाइम पे आते हैं और तू लेट आ रहा है। और वो एम्प्लॉई बोला, हाँ सर मैं खुद परेशान हूँ, मैंने अपनी मदर को बोला कि मुझे 6:30 बजे एग्जैक्टली उठा दिया करो और वो 3 दिन से मुझे उठा ही नहीं पा रही है, मैं भी क्या करूँ। अब हमें से कई लोगों को बहुत ही हंसी आ रही होगी कि ये तो बहुत ही इडियट एम्प्लॉई है, अपनी माँ का बहाना मार रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें से मैक्सिमम लोग इसी माइंडसेट से काम करते हैं। देखो, मैं इस वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ और आपको इस वक्त पर कमेंट करके ये बताना है कि आप जनरली कौन से बहाने मारते हैं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है और वो इम्प्रूव होना चाहते हैं और यही लोग आगे चल के सक्सेसफुल बनेंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, होता यह है कि हम हर रोज कंफर्ट चूज करते हैं और बहाने मारते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, इसमें गलती किसी और की है। इवन इस पर एक पूरी बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है एवरीबडी इज रॉन्ग बट मी, यानी हम सब यही सोच रहे हैं कि हर इंसान गलत है सिर्फ मुझे छोड़कर। लेकिन जो लोग ये समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ इंप्रूव इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसमें गलती सिर्फ उन्हीं की है, वो लोग कंफर्ट छोड़ देते हैं। अगर हमें कंफर्ट छोड़ना है तो हर रोज सुबह हमें उठकर खुद से ये सवाल पूछने हैं, पहला, क्या आज मैं सक्सेस चूज करूंगा या फिर कंफर्ट? सेकंड, क्या आज मैं अपनी फैमिली की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए काम करूंगा या फिर कंफर्ट चूज करूंगा और इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करता रहूंगा? थर्ड, क्या आज मैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जिम जाऊंगा या कंफर्ट चूज करूंगा और सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करूंगा? 12 हफ्तों में 1 साल का आउटपुट लेने के लिए सेकंड क्वालिटी हमें चाहिए कमिटमेंट की। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऑथर कहते हैं कि एक बार वो और उनके डैड गार्डन में वॉक कर रहे थे और उनके डैड ने कहा कि कल तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था कि तुम स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो और हो सकता है कि वो तुम्हें निकाल दें। ऑथर ने देखा कि उनके डैड इस बात से बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने डैड को प्रॉमिस किया कि वो इस साल हर सब्जेक्ट में एज लेके आएंगे। इस पर उनके डैड ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर तुम हर सब्जेक्ट में ए लेके आते हो तो मैं तुम्हें $500 दूंगा, वरना तुम मुझे $500 कहीं से भी अरेंज करके दोगे। ऑथर इस बात के लिए मान गए और उन्होंने स्कूल में इसके लिए बहुत मेहनत करी और हर सब्जेक्ट में परफेक्ट ए स्कोर भी लेके आए। इस स्टोरी में लेसन ये है कि कमिटमेंट और इंटरेस्ट जो है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि कमिटमेंट का मतलब है एक्शन और इंटरेस्ट का मतलब है इमोशन या फिर सिर्फ शब्द। यानी अगर हम किसी चीज के लिए कमिटेड हैं तो हम उसके लिए एक्शन लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कमिटमेंट करना एक 4 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें सबसे पहली चीज आती है स्ट्रॉन्ग डिजायर,
जैसे कि ऑथर ने जब अपने परेशान डैड से कमिटमेंट करी तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वाई मिल गया कि वो किसी भी तरह ए ग्रेड लेके आएंगे, इसलिए वो डिफिकल्ट टाइम में एक्शन ले पाए। सेकंड इज कीस्टोन एक्शंस। इसके बाद हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए उन एक्शंस की जो हमें करने हैं अपना रिजल्ट पूरा करने के लिए। थर्ड पॉइंट कहता है काउंट द कॉस्ट, यानी किसी भी चीज के लिए जब हम कमिटमेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट हमें क्या देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑथर ने डिसाइड किया था कि उन्हें परफेक्ट ए ग्रेड चाहिए तो उन्हें पता था कि उन्हें दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारनी है, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ये कॉस्ट वो देने के लिए तैयार थे। फोर्थ इज एक्ट ऑन कमिटमेंट्स नॉट फीलिंग्स, यानी बहुत बार ऐसा टाइम होगा जब हमें एक्शन लेने के लिए मन नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 बजे उठना है तो ठंड के दिनों में शायद उठने का मन ना करें, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो हम कभी भी मोमेंटम नहीं बना पाएंगे, और अगर मोमेंटम नहीं बना तो बार बार उसी काम को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे हम अच्छे रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। थर्ड माइंडसेट जो हमें 12 वीक ईयर में चाहिए वो है ग्रेटनेस इन द मूवमेंट। ऑथर कहते हैं कि वो और उनकी वाइफ दोनों कैंसर सर्वाइवर्स हैं और वो जानते हैं कि प्रेजेंट मूवमेंट का कितना बड़ा रोल है। हम लोग लाइफ में कुछ मिस ना कर दें, इसलिए हम इतनी सारी चीजें एक साथ करने लगते हैं कि हम लाइफ में हर चीज मिस कर देते हैं। अगर लाइफ में हमें कुछ भी मीनिंगफुल करना है तो हमें एथलीट्स की फिलॉसफी अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि है प्लेइंग इन द जोन। कोई भी एथलीट जैसे कि विराट कोहली तब महान नहीं बने जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, वो तब महान बने जब वो हर रोज थकने के बाद भी 2 घंटे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नॉर्मली अगर वो किसी और शहर में घूमने भी जाते हैं तो भी वो हर रोज जिम में आते ही आते हैं। इन शॉर्ट, वो हमेशा अपने प्रेजेंट मूवमेंट को परफेक्ट करते हैं और उन्हें पता है कि अगर वो प्रेजेंट को परफेक्ट कर देंगे तो फ्यूचर में वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। 12 हफ्ते के माइंडसेट को सीखने के बाद अब हमें 12 हफ्ते का प्लान बनाना है, जिसमें सबसे पहले आता है सेट योर गोल्स। आप कोई भी पेज लीजिए या गूगल डॉक या नोशन, जो भी आप यूज करते हो, और सबसे ऊपर लिखिए गोल्स, और इसके नीचे हमें 3 गोल्स लिखने हैं। अब ये जो 3 गोल्स हम डिसाइड करेंगे वो हमारी लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अच्छा वीडियो एडिटर बनना चाहता हूँ तो आज जो मैं स्किल सीख रहा हूँ वो एक्चुअल में मुझे अच्छा वीडियो एडिटर बनने में हेल्प करनी चाहिए। एक और बात, ऑथर ने रियलाइज किया कि जो भी लोग 3 से ज्यादा गोल्स रखते थे वो कभी भी अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसलिए जो हमने गोल्स लिखने हैं वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। चलो मैं आपके लिए 3 सैंपल गोल्स लिखता हूँ। मान लीजिए आप 5 से 10 साल बाद इमेजिन करते हो कि आप 3 एरियाज में परफेक्ट होना चाहते हो, और वो 3 एरियाज हैं हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। तो हम आपके लिए इन 3 एरियाज में एक एक गोल लिखेंगे। अगर आपका हेल्थ गोल वेट को लूज करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे लूज 10 kg वेट इन नेक्स्ट 12 वीक्स। वेल्थ में बेस्ट बनने के लिए हम लिख सकते हैं कि आई विल मेक माई फर्स्ट 1 lakh rupees इन नेक्स्ट 12 वीक्स। हम अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिख सकते हैं कि इम्प्रूव माई रिलेशनशिप विद माई फैमिली। अब इन 3 गोल्स के लिए हम 3 सेक्शंस बनाएंगे और हर एक सेक्शन को 2 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। पहले कॉलम में हम लिखेंगे टैक्टिक्स और दूसरे में लिखेंगे ड्यू डेट। टैक्टिक्स का मतलब है एक्शन, यानी हमें एग्जैक्ट एक्शन लिखने हैं जो हम अगले 12 हफ्तों में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेल्थ में हम ये सब लिख सकते हैं। अगर हमने नोटिस किया होगा तो हमने हर टेक्टिक को एक्शन बनाया है, यानी जो चीज हमें करनी है और कब करनी है वो ड्यू डेट वाले कॉलम में उसके साथ लिखा है। यानी अगर हमने डिसाइड किया है कि हम 1 लाख यूट्यूब से अर्न करना चाहते हैं तो week 1 में यूट्यूब के बारे में जितना भी सीखना है वो हम सीख लेंगे, और नेक्स्ट 12 हफ्तों तक हमें हर रोज 12 बेस्ट वीडियोस बनानी है, इसलिए हमने इसमें ड्यू डेट में ईच वीक लिखा है। अब ये जो प्लान हमारा बन गया है इसे हम तभी फॉलो कर पाएंगे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो है आर यू अ वेरिएबल और अ कॉन्स्टेंट। इमेजिन कीजिए कि आप और आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जो रूम में बैठे हैं, कल आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और परसों आपके साथ जो फ्रेंड बैठा है उसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मीटिंग एक्सेट्रा। अब इमेजिन कीजिए कि फोन बजता है और आप दोनों के बाकी फ्रेंड्स का फोन आता है कि यार हमने घूमने जाना है कहीं पर, कल या परसों का तुम दोनों प्लान बना लो। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आप दोनों घूमने का प्लान कब का बनाओगे, कल का या परसों का? अगर कल का प्लान बना तो आप एक वेरिएबल हो, यानी आपकी प्रायोरिटीज को कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि आपकी खुद अपनी प्रायोरिटीज पर कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट बनाने का बेस्ट तरीका है अपने टाइम को ब्लॉक करना, यानी जब आपने डिसाइड कर लिया है कि इस टाइम पर ये काम करूंगा तो फिर बस वही काम होगा चाहे बीच में कोई भी आ जाए। अपने 12 वीक के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप 3 तरीके से अपना टाइम ब्लॉक कर सकते हो। फर्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, यानी हर हफ्ते हमें 3 घंटे निकालने हैं सिर्फ ये सोचने के लिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हर सैटरडे हम 9 से 12 का टाइम रख सकते हैं और हम उस टाइम पर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ क्या वो हाई प्रायोरिटी टास्क है या नहीं। अगर वो नहीं है तो हम अपने गोल्स को रिफाइन करेंगे। इसमें हम कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। सेकंड है बफर ब्लॉक, क्योंकि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन में काम कर रहे होंगे तो आपको मेल, व्हाट्सएप मैसेजेस ये सब आ ही रहे हैं और आप उन्हें अटेंड भी नहीं कर रहे। इन सबको अटेंड करने के लिए हम हर रोज
फॉर एग्जाम्पल शाम को जब हम थके होंगे तो 4 से 5 PM तक हम इस काम के लिए दे सकते हैं। थर्ड इज ब्रेकआउट ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि दिन में हमें कुछ टाइम चाहिए ही चाहिए ताकि हम मेन काम से दूर जाएं और रिफ्रेश हो जाएं। इसमें हमें अपनी बॉडी को मूव करना है और नेचर के पास जाना है। इसे टाइम वेस्ट मत समझिए, यही हमें क्रिएटिव बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल रोज हम 5 से 7 का टाइम जिम को या फुटबॉल को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है 13th week। अब हमें से कई लोग सोचेंगे कि प्लान तो 12 हफ्तों का था, ये 13वां हफ्ता कहां से आ गया। तो 13th week एक इंजॉय और इंट्रोस्पेक्शन वीक है, यानी इसमें हम रिलैक्स करेंगे और सिर्फ फीडबैक लेंगे कि इन 12 हफ्तों में क्या चीजें हैं जो हमने ठीक करी, जो आगे कंटिन्यू करनी है, यानी कौन सी चीजें हमें रखनी है और कौन सी चीजें फेंकनी है। अगर हमने 12 वीक में अपने तीनों गोल्स पूरे फोकस से एग्जीक्यूट किए होंगे तो हमने इतनी एग्जीक्यूशन की होगी जो हम 5 साल ऑफ लूज फोकस से नहीं कर सकते थे। और अब हम इस 12 वीक ईयर की हैबिट को बना सकते हैं, यानी 13वें हफ्ते के बाद दोबारा से 12 वीक ऑफ फोकस्ड वर्क फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ 1 वीक। अब 5 पिटफॉल्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपना 12 वीक प्लान पूरा ना कर पाओ, जिनमें पिटफॉल नंबर 1 कहता है योर 12 वीक प्लान डज नॉट अलाइन विद योर लॉन्ग टर्म विजन। यानी पहला रीजन जिसकी वजह से आप अपना 12 वीक का प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे वो है कि अगर बीच में आपको डाउट आ जाता है कि यार जो मैं काम कर रहा हूं वो फ्यूचर में एक्चुअल में मुझे सक्सेसफुल बनाएगा कि नहीं, और अगर ये डाउट आ गया तो आप क्विट कर दोगे। पिटफॉल नंबर 2, यू आर्ट स्टेइंग फोकस्ड। अगर हमने अपने 12 वीक के प्लान में 3 से ज्यादा गोल्स रख लिए हैं तो हम फोकस लूज कर देंगे और 12 वीक प्लान को पूरा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 3 गोल्स की जगह आप साथ में ऐड कर देते हो बाइंग अ हाउस, राइटिंग अ बुक, स्टार्टिंग अ ब्लॉग, स्टार्टिंग अ सर्विस कंपनी एक्सेट्रा, तो समझ लो एक्चुअल में इनमें से कुछ भी नहीं होगा। पिटफॉल नंबर 3, यू डोंट मेक द टफ चॉइसेस। जिसका मतलब है कि जब हम ये लिस्ट बना रहे हैं कि हमें इन 12 हफ्तों में करना क्या है, उस वक्त हमें लग रहा है कि यार बहुत सी चीजें हैं जो सारी इंपॉर्टेंट हैं और हम ये टफ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उसमें से हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, तो अगेन हम ये प्लान एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे। पिटफॉल नंबर 4 कहता है यू डू नॉट कीप इट सिंपल। जिसका मतलब है कि गोल के नीचे हमें सिर्फ 1 या 2 टैक्टिक्स लिखनी थी लेकिन आपने उसे ओवर कॉम्प्लेक्स कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर हमें वेट लॉस करना था तो उसके नीचे सिर्फ हम 2 चीजें लिख सकते थे, डाइट एंड एक्सरसाइज, लेकिन हमने क्या किया, हमने लिखा हम योगा भी करेंगे, हमने लिखा मेडिटेशन भी करेंगे, हमने लिखा हम स्विमिंग भी जाएंगे। और एक्चुअल में होगा क्या, देखने में प्लान अच्छा लग रहा है लेकिन जब हम उसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे तो हमसे एग्जीक्यूशन ही नहीं होगी। पिटफॉल नंबर 5, यू डोंट मेक इट मीनिंगफुल। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि वो प्लान में वो चीजें ऐड कर देंगे जो उन्हें लगता है कि दूसरों की नजर में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपका गोल बिजनेस करना है लेकिन आप अपने गोल में लिख देते हो हायर एजुकेशन, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया तो दूसरा इंसान मुझे इंटेलिजेंट समझेगा। दोस्तों 12 वीक ईयर एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्टिव टूल है, और अगर आप चाहते हो कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की इससे हेल्प हो तो आप उनके साथ इसे व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें, एंड आई नो इट विल चेंज देयर लाइफ। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ये नहीं पता कि हम यूट्यूब में एक प्रीमियम मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप यहाँ पर इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे एंटर करते ही। पहला है डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स जो कि 4-4.5 घंटे का है, उसके बाद ChatGPT और स्टेबल डिफ्यूजन कोर्स, और फाइनली यूट्यूब कोर्स प्रीमियम मेंबर्स के लिए जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग है और इसमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से हम थंबनेल बनाते हैं एंड सो ऑन। और इसका अगर प्राइस देखें तो वो कुछ इस तरीके से है, 159 रुपीज़ पर मंथ। ये इतना चीप हम इसलिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि इस अमाउंट में से जो यूट्यूब है वो अप्रॉक्सीमेटली 45% ले लेता है, बाकी 90 रुपीज़ जो है वो हमें मिलते हैं, लेकिन इसके बदले हमें कोई टेक्निकल टीम मैनेज नहीं करनी पड़ती और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि सर्वर कॉस्ट एक्सेट्रा वो मैनेज नहीं करना पड़ता। तो हमारे अकॉर्डिंग सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे मेंबरशिप को ले सकते हैं और हर महीने हम इसमें 1 कोर्स ऐड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।